सफदर आजम के बारे में काफी तनकीद हो रही है। नहीं नहीं, वो तो क्लास पर, उसका क्लास तो परमानेंट है, वो आउट ऑफ फॉर्म थोड़े पीरियड है, वो आगो क्लास प्लेयर है, नंबर वन इन द वर्ल्ड, रैंक नंबर वन। पूरी पाकिस्तान टीम में सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सोशल मीडिया तो कहेगा, लेकिन पाकिस्तान टीम तो बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम दे प्रूव दैट दे आर गुड टीम, अभी भी वो प्रूव करेंगे, हम उम्मीद करेंगे वो लोग करेंगे, कोशिश करेंगे एज ए टीम। बॉलिंग और बैटिंग दोनों भी अच्छा है, और बाबर इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक। एवरी प्लेयर हैज़ अ बैड फेज इन हिज लाइफ, लाइक वी कैन टेक विराट कोहली द ग्रेट एज अ ग्रेट एग्जाम्पल। ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म फॉर क्लोज टू 3 years, बट पीपल डिडंट स्टॉप supporting him. So I think Babar is a great player. We have all seen him play in India, but it's just that it's a bad phase. But when it comes to captaincy, I will not lie, his captaincy lacks a little bit of improvement. The whole of Pakistan is still playing 90s cricket, and the remaining teams, including the newer teams that like New Zealand and Sri Lanka, all of them have started playing the new age cricket, which is like they feel 300, 350 is a pass score, whereas Pakistan still feels that they can defend even if they score 250, which is not the case anymore. So I think sir, Babar must change his captaincy style, but as a player, he's fantastic. अच्छा सर, बताएं कि पाकिस्तान से गलतियां जो हुई हैं पिछले 3 matches में, आपने देखा है, फैन है पाकिस्तान टीम के, क्या करना चाहिए आज मैच में, और कितने आप उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आज जीत जाएगी? पूरा उम्मीद पाकिस्तान जीतेगी आज मैच। और पिछले जो गलतियां की हैं वो लिटिल बिट टैक्टिक्स मिस्टेक की है, इसलिए वो हारे थे। आज के मैच का जो मेरा मतलब से पाकिस्तान जीतेगा आज का मैच, टॉस विन होकर पहले चेस करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि बॉलिंग फेल हो रहा, डिफेंडिंग नहीं कर रहे पाकिस्तान, इसलिए टॉस विन होकर चेसिंग करने से बेस्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान जीत सकता है मैच। बाबर के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया में, लोग उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की तनकीद नहीं होनी चाहिए? मैच है पाकिस्तान का, प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बाबर जो है वो एक ही प्लेयर है पूरे पाकिस्तान टीम में जो फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली 4-5 ईयर से परफॉर्म कर रहा है, कैप्टन भी है वो, उसे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं सब लोग बाहर से, और टीम मैनेजमेंट भी थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं उसे, ओपन से फ्री से खेलने के लिए बोलने से वो खेल सकता है, और वो उसके वजह से मैच नहीं आ रहा है, टीम के वजह से मैच आ रहा है पाकिस्तान टीम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, टीम ग्रुप है, 11 मेंबर्स का ग्रुप है, 11 मेंबर्स भी परफॉर्म करना चाहिए ना, फिर बाबर एक ही परफॉर्म करने से जीत सकता है, टीम गेम है, टीम परफॉर्म करना चाहिए। सर ये बताएं कि हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक टाइम था विराट कोहली से भी स्कोर नहीं हो रहा था, बैट पैच आ गया था, तो उसको एमएस धोनी ने कॉल करके उसको कहा था कि कोई बात नहीं, आप मतलब आप फॉर्म में आएंगे, बाबर ने भी ट्वीट किया था, तो इस तरह की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है एक प्लेयर के लिए जब वो डाउन होता है, और अब ये जो मैच है इतना बड़ा, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया पर जो हो रहा है क्रिटिज़म वो गलत हो रहा है। आप क्रिटिज़म करें मगर हेल्दी क्रिटिज़म करें, आप जो सामने वाले की गलती हो रही है उससे कुछ एक सलूशन बताएं, ना कि बस खाली वो बोले कि हम टीम इसके वजह से हार रहे हैं, इसके वजह से हार रहे हैं। भाई आपके जो वो ये सीनियर लोग हैं वो लोग भी है, वो खुला खुला उससे वो कर रहे हैं, क्रिटिज़म कर रहे हैं, ये कुछ चल रहा है कि शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनाने की कुछ प्लानिंग चल रही है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपकी टीम यहाँ है, आप वहाँ से दुआ करें, आज वो भी है, जुमा भी है, तो आपकी टीम को सपोर्ट करें, जब टीम वहाँ आ जाएगी तो आपको जो करना है वो करें, मगर अभी पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके कैप्टन को सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो यहाँ कर रहे हैं, मगर आपका काम है, आपका वतन है, आपके प्लेयर को आप नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा?